आप देख रहे हैं इंडियन बैंक न्यूज़, मैं आपके साथ संकल्प तिवारी। रामपुर के थाना अजीम नगर के आलियागंज में सपा नेता और रामपुर से मौजूदा सांसद आजम खान की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है, उसके बराबर में आलियागंज गाँव है। आज पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हाफिज अब्दुल सलाम और कांग्रेस नेता फैसल खान, कांग्रेस नेता मती रहमान बबलू आलियागंज पहुँचे और अलीगंज के किसानों के साथ धरने पर बैठ गए। उसके बाद जुलूस की शक्ल में सब लोग जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे। उन्होंने आजम खान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पर पहले से ही समाजवादी पार्टी के लोग काफी तादाद में खड़े थे और साथ में उनके आजम खान के बेटे और विधायक अब्दुल्ला आजम खान भी थे। किसान और समाजवादी पार्टी के लोग दोनों आमने सामने आ गए, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान पुलिस ने दोनों पक्षों को पुलिस के सुरक्षा घेरे में ले लिया और दोनों पक्षों को शांत कराया। पुलिस की मुस्तैदी की वजह से आज एक बड़ी घटना होते होते बची। किसानों की मांग थी कि हम यूनिवर्सिटी के गेट पर एसडीएम को ज्ञापन देंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग यह समझ रहे थे कि ये किसान यूनिवर्सिटी का गेट तोड़कर अंदर घुसेंगे और कुछ उत्पात मचाएंगे, इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग पहले से ही यूनिवर्सिटी के गेट पर जमा थे। ये अभी जो इनके ज्ञापन को देखने से पता चला कि यहाँ के कुछ किसानों की ज़मीनें, आलियागंज के कुछ किसानों की ज़मीनें इस जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर कब्जे में ली गई हैं और उसके संबंध में जांच भी कराई गई थी, एफआईआर भी दर्ज हो गई है दोषियों के विरुद्ध। तो उसी के संबंध में कि इनको इनकी ज़मीनें वापस दिलाई जाए, उसके संबंध में यहाँ के किसान जो जिन लोगों की ज़मीनें हैं और जो उनके सहयोगी लोग हैं उन लोगों ने ये प्रदर्शन किया था।